हाय फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि MI 6A में स्टोरेज प्रॉब्लम को कैसे सही करें, वो भी बिना कुछ डिलीट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी MI 6A का फ़ोन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर अभी हमारा स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट का ऑप्शन है, तो चलिए इसी को हम हटा कर दिखाएंगे, वो भी बिना कुछ डिलीट किए। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको चले जाना है अपने सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद फिर से आपको चले जाना है अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद यहाँ नीचे आप देख सकते हैं स्टोरेज का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद देखिए, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे कैचेज डाटा, ये देखिए हमारा भी 270 MB कैच करके रखा है फ्री में। तो क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर एक बार टच करना है, फिर से आपको यहाँ ओके पर टच करना है। ओके पर टच करने के बाद देखिए, अभी ये जो हमारा 270 MB है, अभी ये हट जाएगा। देखिए, अभी हमारा ये जो 217 MB था, अभी 39 MB बचा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा हट चुका है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी प्रकार MI 6A में इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स।